हेलो फ्रेंड, नीलम के किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बना रहे हम फीकी दाल। और मैंने दाल ली है मिक्स वाली, तो इसे दो तीन बार धो लेते हैं। दो तीन बार दाल को अच्छे से धो लिए। अब डालेंगे इसमें सरसों का तेल थोड़ा सा, डालेंगे जीरा। फीकी दाल बना रहे तो जीरा डालना बहुत जरूरी है। नमक, हल्दी। अब हमें पका लेते हैं इसे। दूसरी सीटी आ गई है, चार सीटी लगा कर इसे बंद कर देंगे। हमारी दाल ये देखो पक गई है, पूरा गैस भी निकल गया है। लेते हैं ये देखो, फिर अच्छे से फेंटे। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का, और तड़का लहसुन फिर इसे तैयार करते हैं। चार से पाँच लहसुन की वाली, धनिया, कड़ी पत्ता, दो हरी मिर्च, तेल गरम कर दें, तड़का लगाएंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे जीरा। हमारा तड़का हो गया तैयार। डालने में तड़का तड़का डाल दिया। अब इसे थोड़ी देर पका लेते हैं, दो मिनट। दो मिनट हो गई है, हमारी दाल अच्छे से वो तड़का डाला था वो अच्छे से मिल गया है। अब इसे निकाल लेते हैं दूसरी बाल्टी में। ये देखो फ्रेंड, हमारी दाल बनकर रेडी हो गई, तैयार हो गई है। अब इसमें डालते हैं हम हरा धनिया। और फीकी दाल में हरा धनिया नहीं डाले तो क्या फीकी दाल में टेस्ट नहीं। जो हरा धनिया डालने से और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। अच्छी है, दिखने मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।